भाई आप ठीक है? हम परेशान थे, कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हूँ मेरी जान, ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है आ जाओ, इससे आराम करने दो प्लीज। अली आ जाओ। अली मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम ठीक हो ना मेरी जान? ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, परेशान मत हो। चलो आओ मेरी जान, आज ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आ जाओ अली। नूर तुम जाओ और मर्द के पास रहो, सुबह जल्दी उठकर सर पर सवार नहीं हो जाना। और जाओ नहा लो, कपड़े बदलो, इस हालत में घर के अंदर ऐसे ही मत घूमो। सनान सुनो आओ, अली को ले जाने में मेरी मदद करो। ठीक है। आओ जाहिद। नाइला तुम भी जाओ। अली साहब को देखा तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक है, गोली छूकर गुजर गई थी। तुम्हारी ये हालत क्यों है अलमास? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हारी ये हालत क्यों है अलमास? रात बहुत हो गई है, तुम जा सकती हो। शब खैर। नूर अलीना साहिबा की बात सुन ली तुमने? गेस्ट रूम का वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हो तुम, वो कमरा आरजी मेहमानों के लिए है। असल में बाथरूम में। अलमास शब खैर। शब खैर। तुम जिद कर रही हो है ना? जानती हो कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, इसीलिए अपनी आंटी के घर वालों को जानबूझकर शक में डाल रही हो। दरवाजे भी क्या देख रही हो तुम? अच्छी तरह देख लो, वहां जिस शख्स का खून बहाया है तुमने, उसकी असल जगह वही है। अम्मी आपको उस लड़की से क्या मसला है? मुझे एक मामूली सी आया से क्या मसला हो सकता है? आपने उसके सर पर गन रखी थी। मुझे याद नहीं, शायद मैंने ऐसा किया, मैं अपने बस में नहीं थी, शायद अपना गुस्सा उस पर निकाला हो। क्या कह रही है, किस बात का गुस्सा? तुम्हें हिसाब लेने का क्या हक है? जाओ अपने होटल में आराम करो, एक हादसा था जो गुजर गया और कुछ नहीं। जैसा आप कह रही है वैसा कुछ नहीं है, मैंने देखा था, आपकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, वो थी नफरत। आपको छुपा रही है ना अम्मी? मैं ये नजरें पहचानता हूं, मैं नफरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जैसे उस हादसे की रात गाड़ी अली कोजान चला रहा था, इस हकीकत को आपने छुपाया था, बिल्कुल वैसे ही अब भी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं अम्मी। ठीक है, इस काम में तो आप सबसे माहिर हैं, सच्चाई छुपाने में। मैं भी देखता हूं इस बार आप मुझसे कितना छुपा सकती हैं। बताओ, नई दुल्हन ने अली को गोली मार दी, वाकई उसकी आंखों में लिहाज नहीं। अब ये उसकी जलन थी या फिर तुम सिर्फ मेरे हो कब्र तक वाली कैफियत में, ये तो अल्लाह ही जाने। अगर तुम अलीना को देखते ना, उसने उस पर किस तरह हमला किया और पूछा कि तुम मेरे शौहर के साथ क्या कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे का मुंह नोच लेती। नाजान आज पहले ही दिमाग बहुत खराब हो चुका है। खाला नाजान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो अंगूठी का खेल खेलने की? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? कौन सी अंगूठी खाला, होश में आए? अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना याद रखो कि तुम्हें अपने पैदा होने पर पछताना पड़ेगा। याद रखना ये बात। कैसी अंगूठी नाजान? खुदा के वास्ते कुछ कहो खाला, किस अंगूठी की बात कर रही हैं? अब तुम भी उनकी तरह सवाल करोगे जाहिद? नहीं नाजान नहीं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा और ना ही मैं कुछ जानना चाहता हूँ नाजान। जानती हो मैं चाहता क्या हूँ? इन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से दूर जाना चाहता हूँ। क्या हुआ? रात के वक्त ये सब होने से तकलीफ हो रही है तुम्हें जाहिद?
आपकी मर्दानगी जाग गई जाहिद साहब, जो है ही नहीं। एक औरत रात के वक्त बगैर इजाजत हमारे कमरे में दाखिल होती है, तुम्हारे सामने आकर मेरे चेहरे पर थूकती है, बजाय इसके कि तुम उन्हें यहाँ से निकालते बाहर, तुम कह रहे हो कि तुम दूर जाना चाहते हो। तो फिर सुन लो, मैं इस फार्म हाउस को हासिल करने आई हूँ, तुम्हारी चंद पैसों की तनख्वाह पर गुजारा करने नहीं आई हूँ मैं। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में घुट घुट के जिंदगी गुजारने वाली नहीं हूं। मैं देख रहा था तुम्हें। तुम ठीक हो? ठीक हो ना तुम? फिक्र हो रही है ना मेरी? दर्द हो रहा? दर्द दरअसल यहां है, अभी तक जवाब नहीं दिया। मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या सच में तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? छोड़ दोगी क्या मुझे? दूर चली जाओगी क्या मुझसे नूर? मेरी जान, तुम बताए बगैर ही यहां आ गए। मैंने सोचा मर्द को देखने गए होगे। नूर, जाकर देखो कि क्या हमारा नाश्ता तैयार है, मर्द भी जल्दी उठ जाएगा।
तुम ठीक हो ना? अब शायद नूर ने कभी खून नहीं देखा। कल तुम्हारे बाद बहुत बुरा हुआ था। अगर हम तुम्हारे पीछे भागते ना तो खैर, दिखने में तो इसके हवास अभी भी बहाल नहीं लग रहे। ठीक हूँ। अगर अब तुम ठीक हो तो बताओ कि यह हादसा कैसे हुआ था। मैं बता चुका हूँ ना, गोली चलने पर नूर तुम्हारे साथ ही थी। गोली की तरह सबसे पहले पहुंची। अलीना, ये खून में लथपथ थी, इसने मदद भी की। ये सब कैसे हुआ? कैसे अचानक से गन चल गई? अलीना। अम्मी, गुड मॉर्निंग। बाबा, आपके हाथ को क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही है। बाबा, ये तो चोट है, दिखाए ना मुझे। बताऊं मैं इसे, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? अली, अलीना बच्चे के सामने फजूल बात नहीं। ठीक है, मर्द को तैयार करके स्कूल भेजो, उसके बाद हम बात करेंगे। अम्मी, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? हाँ मर्द, लेकिन अभी नूर आंटी तुम्हें तैयार करेंगी। अली, हमारे कमरे में चलो, मुझे कुछ बात करनी है। आपको क्या लगता है कि अम्मी मुझसे वाकई में नाराज हैं? माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। कल रात तो हो गई थी ना, जब तक मेरी अम्मी मुझसे दोस्ती नहीं करती आप कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है? चलो आ जाओ। बैठो नाली। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझसे नाराज हो? बेचारे बच्चे ने भी मुझसे डांट खा ली, लेकिन वो बच्चा भी तो सरकट है। उसका नाम मर्द है, उसका नाम मर्द है, और तुम्हारा बेटा है वो लीना। मेरे मुंह से यही निकलता है, क्यों नहीं समझते तुम? मैं उसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये घर, हमारा बिस्तर, हमारा बेडरूम। मैं अब भी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना, मेरे भी जहन से निकल गया था। अली, ये क्या है? छब्बीस मार्च, अगर ये हमारी शादी की अंगूठी है तो तुम्हारे हाथ में क्या है अली? अलीना, मैं तुम क्या अली, कुछ बोलो ना मेरी जान। मतलब तुमसे इतने सादे से सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर ये हमारी शादी की अंगूठी है तो तुम्हारी उंगली में क्या है? दरअसल अम्मी, आप हमें अकेला छोड़ देंगी प्लीज? मैं और अली शादी की अंगूठी के मौजू पर बात कर रहे हैं। कल जब तुम आए थे तो मैं अलीना से इसी अंगूठी के बारे में बात करी थी, लेकिन फिर हमारी बात पूरी ना हो सकी। अली, मेरे ख्याल से शायद तुम्हें भी अलीना के इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे?
अगर ये अंगूठी हमारी शादी की है तो तुम्हारे हाथ में क्या है? किस बात की घबराहट है? आज तुम्हारी मौसीकी की क्लास है तो अपनी चीजें सही से रखो इसमें। लेकिन हमेशा मैं ही क्यों करूं? क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए रखना चाहिए। चलो। आज तस्वीर नहीं है, मुझे तो अम्मी को तस्वीर दिखानी थी। रुको रुको, अभी नहीं, वो लोग मसरूफ है, स्कूल के बाद दिखा देना। अम्मी को तस्वीर बहुत पसंद आएगी, फिर शायद वो मुझसे दोस्ती कर लें। हादसे के बाद जब अली को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो हमें लगा उसकी अंगूठी खो गई है। जब तुम कोमा में थी तो उसने ये अंगूठी पहन ली ताकि उसकी उंगली खाली ना रहे। बाद में मुझे असली अंगूठी मिल भी गई लेकिन वो उसे पहन नहीं सका। उस रात की यादें तंग कर रही थी। लेकिन अब तो तुम यहाँ आ गई हो और ठीक हो। मर्द मर्द रुक जाओ। अम्मी मेरी तस्वीर देखें, ये मैंने आपके लिए बनाई है। माफ कीजिएगा, मर्द सिर्फ अपनी ये तस्वीर दिखाने आया था। अब वक्त आ गया है कि जाली अंगूठी अपनी उंगली से उतार दी जाए और असली शादी की अंगूठी पहन ली जाए, है ना अली? अम्मी ठीक कह रही है जान, ऐसा करने से बदबख्ती आती है। चलो ये असली अंगूठी पहन लो। चलो अली, असली अंगूठी अपनी उंगली में पहन लो। चलो। मैं असली अंगूठी ही पहना हूं, नकली नहीं। और मुझे इस अंगूठी की जरूरत नहीं। ये मौजू बंद करते हैं अब। बेटा भूख लगी है तुम्हें? चलो नाश्ता करते हैं। चलो बेटा हम भी नाश्ता करते हैं, नर्स भी थोड़ी देर में आने वाली होगी। बदबख्ती। चलो बेटा चलते हैं। ये अंगूठी मेरे लिए बदनसीबी लाएगी अम्मी, मैं महसूस कर रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। अली की उंगली वाली अंगूठी मेरे लिए बदनसीबी लाएगी। अलीना, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी हर बदनसीबी को दूर कर देगी। आज से ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? अब तुम्हें अपना सामान समेट लेना चाहिए और यहां से निकल जा। क्या कर रही हो? क्यों रुकी हो यहां पर? तुम्हारा इस कमरे में क्या काम था? तुम्हारे कपड़ों पर यह खून मेरे शौहर का है ना? मेरे शौहर का खून तुम्हारे कपड़ों पर कैसे आ गया? अम्मी जान, तुम मुझसे चाहते क्या हो? अम्मी जान कहकर चीखते रहते हो, कितने बदतमीज बच्चे हो। आप अम्मी की तरह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? वादा करें कभी नहीं जाएंगी। तुम नागिन हो नागिन। बहुत हुआ, तमीज से बात करें मुझसे। लगता है तुम्हारी जबान खुल गई है, कल तक तो ये दोगली जबान बंद थी और मेरी बेटी कल तुम्हारे हाथ में थी। अहमक, तुम अभी भी नहीं समझी, उसे तुम पर शक हो गया है। बदनीयती तुम्हारी आंखों में दिख रही है, वो हसद तुम्हारे चेहरे से बहता देख रही है। जो भी करना है करो, मगर मेरी बेटी के सहन से वो शक निकालो और फिर यहाँ से चल जाना। कहीं नहीं जा रही, जब तक आपकी बेटी सहतियाब नहीं हो जाती, जब तक आपका भांजा मुझसे तलाक नहीं ले लेता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हमारे अलैदगी के दिन गिनती रहे आप, अपनी नफरत को अपने तक महदूद रखें। तुमसे तो छुटकारा ले लूंगी, वो भी बहुत जल्द। तुमसे जान छुड़वा लूंगी।
सिनान, क्या हाल है भाई? खुशामदीद। शुक्रिया। अब तुम यहीं रहोगे ना? ऐसा ही लगता है। चलो अच्छी बात है। खाला, आपका बेटा आया है। चलो जाओ। अली, जा रहा हूं मैं। आ रहा हूं मैं भी। घर में खुशामदीद साले साहब। सिनान, खुशामदीद। सिनान आपा, आपा देखिए, मैं आगे अब यही रहूंगा आपके पास, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा भाई, यहां आओ जल्दी से। कल रात फिर से मुझे नींद नहीं आई। अली साहब ठीक है आंटी, फिक्र ना करें। अली साहब का पता है मुझे, मेरी फिक्र तुम्हारे लिए है। देखो, कल रात की गोली की आवाज ने मेरी नींद नहीं उड़ाई थी, लेकिन आयतुल साहिबा के तुम्हारे पीछे बोले हुए अल्फाज ने नींद उड़ाई थी मेरी। हर मुसीबत का जिम्मेदार तुम्हें ही ठहरा दिया। शुक्र है जाहिद साहब ने हकीकत को जाहिर कर दिया। ओ मेरी बच्ची, पता नहीं तुम पर और उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी, वो भी उन मुसल्ला आदमियों के दरमियान। आंटी देखें, बुरा वक्त था लेकिन अब गुजर गया। और क्या कह रही थी आयतुल साहिबा, क्या कहा उन्होंने आपसे मेरे बारे में? ये बात तो तुम बताओ मुझे, उस औरत का तुमसे क्या मसला है? तुमने उनकी कौन सी मुर्गी काट कर खा ली जो उनको बुरा लग गया? लेकिन आंटी मैं, उस औरत ने तुम पर कितने झूठे इल्जाम लगाए नूर। उसने अपने नवासे के अगवा का इल्जाम भी तुम पर थोप दिया। उनका दिमाग खराब हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। आयतुल साहिबा तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगी नूर। देखो मैं उसे जानती हूँ, कल या परसों उसका भांजा कहेगा सामान बांधो और निकल जाओ। हाँ फिर मैं क्या करूँगी? हाँ है कोई जवाब? इस्तांबुल में तुम अकेली क्या करूँगी, जवाब दो मुझे। हाँ तुम्हें वापस गाँव भेजूं तो वो पागल, वो दुश्मन, मैं तुम्हें उस दीवाने के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। आह मेरी बेटी, आह समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही। आंटी आयतुल साहिबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भरोसा रखे। आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। चले अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे। देखो बेटा बहुत एहतियात से रहना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। या अल्लाह ये सब क्या है? अल्लाह करे तुम जाओ तो वापस कभी ना हो मक्का ना के। आ जाओ। आयतुल साहिबा, आपने कहा था ना कि मैं बावर्ची खाने में अपने आंख और कान खुले रखूं। हाँ तो क्या मालूम हुआ? मुझे मालूम हुआ है कि गांव में कोई उसका दुश्मन है, पागल है वो। हफीजा आपा कह रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्या तुम्हें उस पागल के पास भेज दूं? रुको रुको, अरे रुको, बस क्यों नहीं तुमने रोकी? या अल्लाह। अरे रुक तो गया हूँ मैं, इतना भी क्या गुस्सा मैडम? नहीं मैं तो बस वाले को कह रही थी। कहाँ जा रही हो? शहर जा रही हूँ, कुछ काम था मुझे, और अलमास से भी मिलना है मुझे। अच्छा तो कंपनी जा रही हो तुम, चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ। नहीं मैं, चलो आओ भी बैठ जाओ। तुम भी लड़की की तरह हो, मगर तुम बस लड़की नहीं हो, तुम उसकी तरह खूबसूरत नहीं। तुम जैसी हजार होने से बेहतर है उस जैसी एक हो, ऐसे तुम्हारे बालों में मेरा हाथ हो। तुम ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम बस ले लेंगे,
नहीं, वो नहीं बैठेगी। ठीक है, मैं उसे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा। अमीन, वो मैं दरअसल बहुत मजे की बातें हो रही थी, इसलिए मैं बीच में नहीं बोली। नहीं, मैं आज तुम्हारा कोई काम है? क्या मतलब? बताती हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, गाड़ी चलाने का मूड नहीं है, इसलिए जहाँ जाना है वहाँ ले जाओगे मुझे, फिर वहाँ से बस ले लेना तुम। ठीक है, ठीक है, आइए। Get well soon, sir. मीटिंग शुरू होने से पहले मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता अल्मास। आपकी मर्दानगी जाग गई जाहिद साहब, जो है ही नहीं। अल्मास, कितनी बार मैंने कहा है कि कंपनी में ऐसी हरकतें मत किया करो। अल्मास, मत करो, दरवाजा खोलो। आज तो आप वाकई बहुत गुस्से में हैं। एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें मुझे। इस गुस्से की वजह अली साहब हैं। काश मदद कर सकती। किसने आपको ये गहरी चोट दी है? किसने क्या कहा है? जाहिद, उन आदमियों के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे अंदाजा नहीं था। पता होता कि मेरे भतीजे तक बात पहुंचेगी। तौबा है मेरी, तौबा है जो आइंदा जुआ खेला। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आप जुआ खेलते हैं? मैं मदद कर सकती थी आपकी। कोई और बात तो नहीं छुपा रहे ना मुझसे? मसलन कल रात जो हुआ, गोली उन्हें इस तरह नहीं लग सकती, जानती हूं मैं। क्या कहना चाहती हूँ अल्मास? अस्पताल में जो बातें हुई थी मैंने सुन ली थी। बताइए, किसने मारा ली साहब को? प्लीज बेवकूफी की बातें मत करो अल्मास। या सिनान साहब ने? ऐसे तो नहीं कि गोली उन्होंने चलाई थी? अल्मास, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। बताएं ना मुझे जाहिद, अगर नहीं बताएंगे तो नूर से पूछूंगी। ओह, ये क्या किया आपने? अरे छोड़ दो तुम ये, जाओ यहाँ से। बेकार की बातें मत करो बस। बेकार बातें? नूर खून में लदी हुई थी, गोली चलने के वक्त वो वहीं पर मौजूद थी। मेरी कजन ने सब कुछ देखा, इसलिए उससे जरूर पूछूंगी मैं। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो अल्मास, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं जानना चाहती हूँ जाहिद, अली साहब को अपनी ही गन से गोली कैसे लग गई? घर वालों में से किसी ने मारा उनको? खुदा ना खास्ता, अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हम क्या करते? अल्मास फिर से कहो, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलो ना जो कहा। अली को कुछ हो जाता तो क्या करती? हाँ जाहिद, बस भी कर दो खुदा के लिए। अस्पताल में की गई बातें सुनी है। मैं हर लम्हा सुनता हूँ अल्मास, हर लम्हा देखता हूँ जैसे तुम अली को देखती हो। यहाँ तक के हाथ पकड़ते वक्त भी तुम। क्यों जलन हुई? आपको बुरा लगा है क्या? आ जाए, बैठे, बैठ जाए, चलिए सुकून से बैठ जाए। आप इतने बेवकूफ हैं क्या? बताएं जरा मुझे, सच का इतनी जलन हुई आपको? अल्मास मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या हूँ? क्या हूँ?
आपकी मर्दानगी जाग गई जाहिद साहब। आप मेरे हैं। जो है ही नहीं मेरे। उफ, उसमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन भाई मैं क्या कर सकती हूँ बताएं? मैं तो उसका नाम सुनकर ही पागल हो गई थी। मुझे कैसे पता चलता? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने भाई और आयतुल का मोहताज होगा। अरे नहीं नहीं भाई, वो देता है, वो पैसे तो देता है लेकिन काफी नहीं, और क्या करेगा। नहीं भाई जान, नहीं, वो एडवांस वगैरह नहीं ले सकता, वो बस अपने भाई से तनख्वाह ले सकता है, वो बहुत ही बुजदिल है। नहीं भाई, आपसे कहा ना कि वो अपने भाई से कुछ नहीं कह सकता। क्या हो गया भाई, आप मुझे क्यों बातें सुना रहे हैं? हेलो, या अल्लाह मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे इस मुसीबत से बचा ले। नाजा, लगता है भाई को फिर से तुम्हारी याद आ गई। कितने पैसे चाहिए उसे? तौबा तौबा, पिछली बार की तरह इस बार भी कर्ज की अदायगी करनी होगी ना, 10,000, 20,000। आयतुल साहिबा, अरे बताओ ना कितने पैसे चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। मुझे मारने पीटने के बाद आप मुझसे मजाक करने आई हैं? नाजान, तुम मुझे इस लड़की से निजात दिला दो और बस, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को पैसों से खुश कर दूंगी। बहुत शुक्रिया। आप नहीं आएंगे अंदर? किले में? नहीं, मैं नहीं। किला? अली कोजान के तकबूर का किला। किले से नफरत है या उससे? माफ कीजिएगा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अगर ऐसे ही गहरे सवालात पूछने हैं तो आप कहना छोड़ दें, क्या कहती हैं? अगर मैं कहूं तो जवाब दोगे? काम के बाद वापस जाना है तो इंतजार कर सकता हूँ? नहीं, मेरा काम कुछ लंबा है, मैं चलती हूँ अब। खुदा हाफ़िज़। नूर, सच कहूँ तो मुझे दोनों से नफरत है। उस तरफ। ठीक है, अलमास साहबा से मिलना है। आ जाए। अली सर, मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाहिद साहब मीटिंग में? मैंने नहीं देखा सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अलमास, मुझसे मोहब्बत करती हो? मतलब क्या सच में मोहब्बत करती हो? जाहिद, अंदर हो क्या? दरवाजा क्यों बंद है? जल्दी से उनसे कुछ कहे, उनको भेजे। आ रहा हूँ अली। कोई मसला है क्या? नहीं अली, कुछ नहीं, बस आ रहा हूँ। जल्दी करें, दो बटन भी नहीं लगा सकते आप, हद है। ठीक है, बस हो गया। नूर, खुशामदीद। शुक्रिया अली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। नूर, बताया नहीं कि तुम आ रही हो? हाँ, मैंने जाहिद साहब को खबर दे दी है, मीटिंग शुरू होने वाली है, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वैसे भी ज्यादा देर लगेगी नहीं मुझे, आ रहा हूँ। आओ, मीटिंग खत्म होने तक मजेदार कॉफी पिलाती हूँ तुम्हें। बैठ जाइए प्लीज। बैठे 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 बैठ जाए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ छुपाने के लिए होता है। मैं इस नागिन के सारे राज निकालना चाहती हूँ, सब कुछ बाहर आएगा।
वो यहाँ से ऐसे जाएगी कि उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा। मैं कहाँ से ढूंढूं किसी के राज आयतुल साहिबा, जबकि मैं जानती भी नहीं। तुम नहीं जानती, लेकिन कोई तो उसे जानता होगा। हमारे आसपास ऐसा कोई होता है जो सब जानता है, कोई तो होगा नाजान। नय्यर साहब, तो ये है वो जगह? हाँ यही है। यहाँ तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हमें मोटरवे से आ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं मोटरवे का लाइसेंस ले लूंगा, यानी आपको छोड़ने के लिए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? वो मुझे ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई थी। ये कौन है, क्या ड्राइवर है तुम्हारा? अमीन, तुम जा सकते हो, देखो वहाँ आगे बस का स्टॉप होगा। शुक्रिया मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। ठीक है। यार तुम्हें सामने आने की क्या जरूरत है, वो जाकर भाई को सब कुछ बता देगा और नई मुसीबत आ जाएगी। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, थोड़ा ब्रेक मिल गया मुझे भी। इतनी खौफनाक रात गुजरी है जबकि नींद आ रही थी मुझे बहुत। तुम भी चेहरे से कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं तो, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी बहुत बुरी हालत थी, बहुत। शुक्र है कि अम्मी ने तुम्हें उस हालत में नहीं देखा। क्या तुम भी नहीं बताओ कि क्या हुआ था? अली साहब को पहले देखा था, क्या हुआ था? पहुंची तो वो जख्मी थे। क्या तुम्हें फर्स्ट एड आती है? नहीं तो। पता है क्या, जब तुम्हारे कपड़ों पर खून देखा तो मुझे लगा तुमने कुछ किया है। वो मैं, तुम जरूर कुछ जानती हो ना नूर। मैं किस बारे में? कल रात के बारे में कजिन, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकती कि गन साफ करते वक्त उनको गोली लग गई। अलमास, मेरा ख्याल है कि क्या कहा जा सकता है, अब किस्मत है। अगर तुम पहले पहुंच जाती तो देख लेती उन्हें गोली कैसे लग गई। लेकिन आजकल फार्म हाउस पे बहुत कुछ अजीब हो रहा है ना, गोलियां चल रही हैं। आयतुल साहिबा की बेटी होश में आ गई लेकिन अब भी गुस्से में है। अली साहब खामोश, उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मैंने पहले नहीं देखा। अलमास, कहना क्या चाहती हो? दर्द है दर्द, तो क्या बताओगी नहीं तुम? अजीब सी बातें कर रही हो, जा रही हूँ मैं। दो मिनट बैठो, आओ। बीवी की वजह से पसंद नहीं है वो उनको। अलमास, क्या हुआ कजिन, ये तो पता है सबको। उसकी माँ ने उसे तख्त पर तो बिठा दिया, मगर किस्मत कैसे बदले, अब उसको तो आयतुल साहिबा भी नहीं बदल सकते। अलमास, बस बहुत हुआ, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ में आ रही है? कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानती, बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। चीख क्यों रही हो पागल, ये मेरी जॉब की जगह है समझी? सिर्फ दो बातें क्या करती, दिमाग खराब हो गया? बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो आप समझ गए हैं ना कि आपको क्या करना है? जी हाँ, मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं अब उस पागल को, दीवाने को यहाँ अपने साथ लेकर आऊंगा? क्या कर रहे हैं, आहिस्ता बोले, दीवारों के भी कान होते हैं। देखे, मैं दोबारा समझाती हूँ, आप बस इतना कीजिए कि उस लड़की के दुश्मन को पैगाम दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप सिर्फ आराम से बैठ जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है नाजा बेगम, मगर मेरी क्या मजाल कि मैं पूछूं, लेकिन क्या उस बेशर्म लड़की ने आपके साथ कुछ किया है? कसम से उसे बालों से पकड़ कर। ठीक है ठीक है, अब आप इसकी फिक्र नहीं करें, मुझे उस लड़की से चिढ़ है, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसका मेरे शौहर के आस पास बेबाक होकर घूमना मुझे पसंद नहीं, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया, कोई एतराज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं ये बात आयतुल साहब को भी बता सकती हूँ, मगर उन्हें भी उस लड़की से उतनी ही चिढ़ है जितनी मुझे है उससे, इसलिए सोचा ये मसला आप पर ना आए। अल्लाह ना करे। देखे, इतने सालों से हमारे साथ हैं, बल्कि मुझसे भी पुराने हैं इस फार्म हाउस में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके पास आऊं। हमारा मर्द उस लड़की का आदी हो गया है, नूर नूर ही करता रहता है, वो बच्चा तो उसे अपना समझ रहा है। वो लड़की आयतुल साहिबा की दुश्मन है, उस लड़की का आराम से जाना
जरूरी है, ठीक है, ताकि हमारे मर्द को भी बुरा ना लगे और ना ही आपको परेशानी हो, ठीक है। सीधा सीधा इसका दुश्मन या आशिक अगर उसे ले जाए तो आपको भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हम चलती हूँ मैं। अरिना मैडम, आप इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छी हैं। बहुत ही जल्द आप अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाएंगी। वाह, बोल ऐसे रही हो जैसे बहुत जल्द दौड़ने लगूंगी। बेटा, अपना फोकस खराब नहीं करो, वक्त तो लगेगा, इतने साल बिस्तर पे गुजारे। तुम यहाँ क्या देख रही हो? हाँ, क्या यहाँ कोई फिल्म चल रही है? ओ, क्या हो गया? दरवाजा बंद करें अम्मी, इसे देखें, बस नहीं चल रहा, यहाँ पर बैठ कर चिप्स खाए। नाजान, तुम अपने कमरे में जाओ, वहाँ इंतजार करो मेरा, और दरवाजा भी बंद कर दो। आइंदा कोई भी मुझे एक्सरसाइज के दौरान नहीं देखेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, संभालो खुद को, आप लोग करते रहिए, मैं चलती हूँ। अब आपको इस तरह करना है। नाजान, क्या तुम जानबूझकर कर रही हो सब? देखा तुमने उसे फिर से गुस्सा दिला दिया। आपकी बेटी खुद ही गुस्सा करने के बहाने ढूंढती है अतल साहबा, मैं क्या करूं? मैं तो आपको बताने आई थी। बात की थी तुमने? जल्दी बताओ मुझे। बात की थी मैंने, पहले वो हैरान हो गए, समझ नहीं सके कि क्या करना है, लेकिन जब पैसों का जिक्र हुआ तो वो मान गए, वो ढूंढ लेंगे उसको। ठीक है, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, पैसों का मामला निपटाते हैं, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारे भाई का भी भला हो जाएगा, चलो चलते हैं। आदिल साहबा, पैसों का काम तो ठीक है, मगर एक बात बताएं, अगर बाद में अली को ये बात पता चल जाए कि इन सबके पीछे मैं थी तो क्या आप मेरा साथ देंगी? अली को कैसे पता चलेगा? क्या नैयर की इतनी हिम्मत है कि तुम्हें बेनकाब करे? अगर आपको नैयर पर इतना भरोसा था तो फिर आपने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? मैं इस घर की सरबरा हूँ, मैं क्यों नौकरों से एक आम सी लड़की के लिए उनके मुंह लगूं? तुम्हारे ख्याल में मुझे ये जेब देता है? वैसे आप मेरी तरह बोल भी नहीं सकती थी, बहुत मेहनत की है, वो डर रहा था कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। एक मुसीबत आएगी और हमारे सर पे सवार मौजूद सारी मुसीबत ले जाएगी। आप जो कह रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक शादीशुदा लड़की को यहाँ से निकालना आसान नहीं होगा, तो क्या सोचा है आपने, किस तरह करेंगी? अली, बस अली को उस लड़की के उस राज का पता चल जाए, फिर देखते हैं शादी कैसे कायम रहती है। चलो पैसों का हिसाब कर ले, चलो आ जाओ। अलमास, नाराज तो मत हो, काम कर रही हो नूर, तुम आराम से अपनी कॉफी पियो ना, मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। सही कह रही हो, फालतू शोर मचाया मैंने, बस गुस्सा आ गया, माफ कर दो ना। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? क्या, कब से बार बार तुम घड़ी देखे जा रही हो अपनी? ट्रैफिक में ना फंस जाऊं कहीं। रुको, वो लोग भी निकल रहे हैं, साथ चलते हैं। नहीं, मर्द के पास जाना है, चलती हूं मैं। अब मैं समझा कि तुम्हारा ध्यान मीटिंग में क्यों नहीं था। लिफ्ट रुकिए जरा प्लीज। स्टेयर से आ जाइए प्लीज। कहाँ जा रहे हैं अली साहब? तुम्हें क्या अलमास, जाने दो। मैं अलमास से बचकर भाग रही थी और तुम लिफ्ट रोककर खड़े हो। तो क्या करूं, मुझे किसी का खौफ नहीं। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, लेकिन मुझे बात यहाँ पर नहीं करनी। अब मुझे जो कहना है मैं कह दूँ, और वैसे भी मर्द के वापस आने से पहले मुझे फार्म वापस जाना है, किसी करीबी जगह चलते हैं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।